स्पॉटिफाई रैप्ड, हर जगह सब लोग यही शेयर कर रहे हैं, सबके स्टोरीज में यही है। आर्टिस्ट लोग भी शेयर कर रहे हैं कि यार हम पिछले लाइक 2 साल से कहाँ पे थे एंड फिर अभी देखो कहाँ पहुंच गए एंड हाउ प्राउड वी आर। सब लोग अपना अपना रैप भी बता रहे हैं। बट ये जस्ट एक टॉपिक है जो मैंने उठाया अभी जस्ट 5-10 सेकेंड पहले। मैंने सोचा कि यार मेरे को कुछ कुछ चीज़ें ये चैनल के बारे में बताने का है जो इम्पोर्टेंट है, जो चेंज हो रही है ये चैनल के बारे में, अब क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या मेरे दिमाग में है एंड वो सब एग्जीक्यूट करना है, ये सब मेरे को बोलना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्पॉटिफाई रैप पे भी बात किया जाए। ये साल मैंने मेजॉरिटी सुना है बेला को, मैंने मेजॉरिटी सुना है बेला और MC इनसेन को। ईमो रैप्स ये वो ज्यादा सुना है मैंने द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, जो मैं 2-3 महीने जो मैं ऑफिस गया था वो टाइम पे नाइट शिफ्ट का ये था मेरा, तो फिर मैं बस से जाता था, ये टाइम पे मैं सिर्फ MC इनसेन सुनता था, वो टाइम बस MC इनसेन सुनता था एंड कुछ लड़की लोग का कुछ BT हो गया समझ लो ऑफिस में, इफ यू नो। फिर सुबह आते टाइम भी MC इनसेन ये वो, मैं वो तेरा तेरा बंदा, तो मेरे को लगा कि MC इनसेन ही ज्यादा होगा यार। फिर सेकंड हाफ में मैं पता नहीं कहां से बेला का इतना जोश आ गया, मैं भाई लिटरली मैंने उसके बाद डेली बेला सुना है, मैंने डेली बेला सुना है। अभी रिसेंटली तो मैं पैराडॉक्स सुन रहा हूँ, 47 पे इंटरेस्ट आया मेरे को। भाई स्पॉटिफाई इतना सही है ना, लिटरली तुम्हें ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो तुम नहीं सुनोगे या कभी रिएक्ट भी नहीं किया होगा लाइक इन यूट्यूबर्स केस, उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता देता है। भाई मेरी चैनल चेक करो यार, कहाँ पे बेला पे रिएक्शन, कहाँ पे MC इनसेन पे रिएक्शन, कहाँ पे 47 पे रिएक्शन। बट नाउ आई नो कि भाई वाओ क्या क्रेजी आर्टिस्ट है यार ये सब। कलम इंक, भाई कलम को तो कितने बार मैंने मैसेज किया है कि भाई डूड यू आर जस्ट क्रेजी ब्रो, लाइक सीरियसली ये टाइप ऑफ म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद आने लग गए एंड जो भी ऐसे म्यूजिक बना रहे हैं, तो ये साल मैंने पूरा वही सब किया। कर्मा, कर्मा इज द 5th गाय जिसको सबसे ज्यादा सुना है मैंने एंड वो एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, हाउ पीपल व्यू कर्मा। ऐसे वीडियोस के लिए इंस्पिरेशन भाई यही मिलती है कि यार इतने ओपिनियंस क्यों है ये बंदे के बारे में, लाइक इधर इज वेरी गुड इधर इज वेरी बैड, ऐसा ऐसा ओपिनियन था भाई कर्मा के बारे में एंड वो वीडियो क्रेजी है भाई, अगर तुम्हें चेकआउट करना रहेगा तो फिर डू चेक दैट आउट। अब बढ़ते हैं भाई चैनल की अपडेट पर कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है ये वो। मैं ज्यादा ऐसा बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी प्रॉमिस कर देता और फिर वो क्या बोलते हैं फुलफिल नहीं कर पाता, फिर बाद में मेरे को खुद ही के बारे में बुरा लग जाता है, यू नो। मैंने कभी ऐसा बोल दिया फुकट जाके और फिर मैंने करा नहीं कभी। फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स थिंग्स चेंज, ये चैनल पे जो भी है बहुत सिस्टमैटिक होने वाला है। लाइक सो द प्लान इज कि वीकली मैं 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँ एंड 2 लाइव स्ट्रीम्स कर पाऊँ। तो मैं रैंडमली कोई भी टाइम पे लाइव आया करता था, कोई भी टाइम पे जब भी रिलीज होती थी तब आ जाता था और व्यूज चुरा लेता था एज सम माइट से। बट आई लाइक टू एंटरटेन पीपल, मेरे को लाइव में आके लोगों के साथ गाना सुनना ये वो ऐसा ऐसा वो सब है। बट अगर मेरे को यूट्यूब आगे तक करना है एंड अभी विदाउट जॉब का हूँ मैं एंड फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ उसको वैसे ही रखना है, तो फिर मेरे को यार मोनेटाइजेशन पे जरा ध्यान देना पड़ेगा, यू नो मनी इज इम्पोर्टेंट। ये उतना जरूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सो आई हैव डिसाइडेड टू अपलोड 2 वीडियोस, ठीक है, जिसपे कॉपीराइट क्लेम या कुछ बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को एंड मैं बार बार लाइव स्ट्रीम करके सारा यू नो एक एक गाने का या जो भी रिलीजेस है उसके कॉपीराइट क्लेम हर वीडियो में लेने से अच्छा है कि सैटरडे नाइट लाइव लाइक SNL जो भी तुमने सुना होगा, तो हिट ह्यूमन सैटरडे नाइट लाइव ये हमेशा से मेरे दिमाग में है, ठीक है। अ शो, अ प्रॉपर शो, जो एक लाइव शो जहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो सैटरडे रात को ये लाइव होगा। सैटरडे कल है, लाइक मैं फ्राइडे 11 बजे मेरे को ये वीडियो डालना है और मैं अभी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। सैटरडे नाइट 9 बजे या पता नहीं अब, क्योंकि बिग बॉस के भी हम स्ट्रीम करते हैं ट्विच पे भी स्ट्रीमिंग, ट्विच पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्विच पे डेली स्ट्रीम्स आएंगी एंड उसका कुछ ये नहीं है। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ यू वांट टू सपोर्ट योर क्रिएटर, जो ज्वाइन बटन से तुम कर सकते थे यूट्यूब पे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ज्वाइन बटन नहीं दे रहे क्योंकि यार मेरे लाइव स्ट्रीम्स में बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स है अपेरेंटली, विच इज ट्रू।
वो भी एक क्या बोलते हैं रूल था जो मेरे को नहीं पता था। बट हाँ, तो अब चीजें चेंज हो रही है। ट्यूजडेज को क्या लाइव होगा, क्या स्ट्रीम होगा, ये सब तभी के टॉपिक पे डिपेंड होगा। बट वो एक हफ्ते में जितने भी रिलीजेस होंगे, जितने भी कुछ भी गाने होंगे, कुछ भी न्यूज होंगे प्रॉपर, ये वो सब भाई सैटरडे को मैं उधर गेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ क्रेजी चीजें भी हम कर सकते हैं स्ट्रीम में। मतलब ज्यादा रिवील नहीं करना, बट एक प्रॉपर शो बनाना है मेरे को, वही कैमरा सेटअप, वही सब कुछ। ठीक है, अब इतना बड़ा क्रिएटर तो हूं नहीं कि भाई सेटअप कर दूं ये कपिल शर्मा शो टाइप या जो भी है, बट वो वहां तक पहुंचने के लिए दिस इज अ यू नो पाथ जो मैं चूज कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम्स में जो मजे करने वाले ये सब अब ऑन पॉइंट रहेगा, एंड मेक श्योर टू ज्वाइन। ठीक है, कितने बजे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मे बी 7 PM, 7 PM एवरी सैटरडे, हिट ह्यूमंस सैटरडे नाइट लाइव, लेट्स कॉल इट द ह्यूमन शो। द ह्यूमन शो आएगा हर सैटरडे, ट्यूजडे को भी लाइव स्ट्रीम्स होंगी, मे बी रेडिट स्ट्रीम हो, DHH कम्युनिटी के साथ कुछ, या ओपिनियन बेस्ड स्ट्रीम, या कुछ भी हो सकता है। बट द मेन चेंज इज कि फ्राइडे एंड मंडे वीडियोज अपलोड होगा। मेरे को अच्छे से याद नहीं कि कौन से दो दिन मैंने वीक में चूज करे, बट फ्राइडे जरूर एक अपलोड आएगा। एंड मैं ज्यादा, मेरा जो फिल्म मेकिंग पे इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो दिखाना है मेरे को आर्टिस्ट के ही। भाई हिप हॉप कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, DHH पे ही मेरे को थोड़े क्रिएटिव यूनिक वीडियोस बनाने हैं। एंड DHH के साथ साथ और कोई टॉपिक धीरे धीरे अगर समझ में आया, और कोई नीश मिल गया या जॉनर मिल गया, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बट द मेन फोकस इज कि मैं ह्यूमर एलिमेंट, पर्सपेक्टिव, विजन, क्रिएटिविटी, फिल्म मेकिंग, मैं ये सब पे ज्यादा फोकस करूँ। एक प्रॉपर तुम्हें लाइक मजा आए भाई वीडियो देखने, समझ रहे हो, ऐसी सेटअप पे बैठ के ये वो बकचोदी वो नहीं, थोड़े अलग कुछ चीजें देखने मिलेंगी। एंड आई एम एक्साइटेड कि इसका शुरुआत ये एक वीडियो से हो रहा है। एंड हाँ, सो दैट्स इट, मेरे को इतना ही बड़बड़ करने का था। एंड Spotify रैप्ड अप को क्लिकबेट टाइप यूज कर लिया मैंने, आई होप दिस वर्क्स। बट हाँ, अगेन इफ यू गाइज वॉन्ट टू सपोर्ट मी, and if you guys want to join the movement, if you want to be a member of BTG, Discord server hai bhai, BTG bathroom gang, you know, apan we roll different here, and sab cheez ke link hai bhai, ek bar zarur check karna, Twitch pe aa jana bhai, aaj raat ko live stream karunga Twitch pe obviously, and maybe aaj Splitsvilla live stream bhi hoga, to ye sab watch alongs karta hu main, anime bhi udhar hai list mein, to agar tumhe इंटरेस्ट है किसी के साथ में देखना है कुछ, तो फिर यू कैन यू नो, एंड वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस पे भी है इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, विच आई अप्रिशिएट, क्योंकि भाई क्लेम्स के साथ साथ ये अभी तक जितना भी जो लोगों ने भी सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, यू नो रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, एक बच्चे का जो सपना रहता है कि यार यूट्यूबर बनना है, बचपन से यही करना है, बचपन से हूँ मैं यूट्यूब पे यार, ओ माय गॉड। तुम भाई कुछ कुछ चैनल्स है जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट तुम्हें दिखूंगा मैं कुछ भी चूतियापा करते हुए यूट्यूब पे। बट हाँ, सो द थिंग इज कि यही पसंद है भाई, यही करना है, तो थोड़ा सीरियस होके ही कर लेते हैं, ये मैंने सोच लिया है। अब कॉन्टेंट ही बनाना है, एंटरटेन ही करना है, कुछ किसी को हेट नहीं देना, किसी को रोस्ट नहीं करना, ये वो, यू नो आई जस्ट केम टू दैट कंक्लूजन। एंड या अगर तुम्हें पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है तो मेरा सेकेंड चैनल है भाई, जहाँ पे अगर तुम्हें लाइव स्ट्रीम्स लाइक तुमने लाइव स्ट्रीम मिस कर दी, सो डोंट वरी, मेरे सेकेंड चैनल पे कुछ कुछ रिएक्शंस, कुछ कुछ चीज़ें जो लाइव स्ट्रीम पे लोग बोलेंगे मुझे रिएक्ट करने को, ये वो सब बकचोदी वहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यही सोचा है कि ट्यूसडेज को हम नॉन हिप हॉप वीडियोस पे भी रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्काउट का ये हो गया वो हो गया, और फिर अगर कोई आर्टिस्ट का लाइव स्ट्रीम ये वो हो गया उस पे कर देंगे, क्योंकि यार दैट वर्क्स समहाउ, आई डोंट नो, या फिर ट्विच पे कर लूँगा, मे बी आज ट्विच पे कर लूँगा कुछ कुछ चीज़ें रिएक्ट लाइक पब्लिक के साथ, इट्स फन, लाइव स्ट्रीम्स आर फन। एंड जो क्रिएटिव साइड है वो मैं वीडियोज़ के थ्रू बताना चाहता हूँ। आई होप मैंने ज़्यादा बोल के पकाया ना हो तुम लोग को। एंड यह पॉडकास्ट जो हमारे सेट ऑफ नॉर्मीज है, यू नो
जो कईयों को लगता है कि यार रोहन कार्यप्पा का टाइटल उठाया है, ये उठाया वो उठाया, नहीं, लाइक बाहर का कॉन्सेप्ट था, नॉर्मीज रिया है जो रोहन भाई ने इंडिया में लाया, एंड वो लाइक टाइटल हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वी आर नॉट रिएक्टिंग टू स्टफ अभी तक, बट फ्यूचर में वो भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें वो पॉडकास्ट चेकआउट करना है उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मेरा पर्सनल लाइफ या कब मैं लाइव आता हूँ ये वो इसका सब अपडेट तुम्हें चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ हिट ह्यूमन ऑफिशियल, सारे लिंक्स है भाई नीचे। तो फिर इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस मूवमेंट, ठीक है, वॉन्ट टू सी मी ग्रो इन टू दिस बीस्ट, दिस पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, यू वॉन्ट टू एंजॉय दिस जर्नी विथ मी, सब सब चेकआउट करो भाई, ज्वाइन द मूवमेंट, आ जाओ बी टी जी में। यहाँ कोई आवाम नहीं, कोई बी के भी नहीं, वी आर जस्ट यूनाइटेड। एनी वेज दैट वॉज दैट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई बात करके कि एनीवेज आई लव यू ऑल मैन, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट अब तक का, यू नो 40K सब्सक्राइबर्स, ओ माई गॉड, ये नो बार्स नो एंट्री था चैनल, एंड साल के पहले 1K 2K सब्सक्राइबर्स पे कुछ था, एंड एक साल के अंदर भाई अपन ने क्रेजी चीज़ कर दी, जबकि मेरा पहला चैनल डेड होके मल्टीपल चैनल्स बना के कुछ वर्क नहीं किया, एंड फाइनली दिस चैनल इज़ वर्किंग, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसको लाइक सीरियसली लू एंड फिर डेडिकेटेड रहो ये चैनल पे, ऐसी बकचोदी जैसा कुछ भी करके चला ना जाओ, क्योंकि यूट्यूब इज व्हाट आई लव, लाइक क्रिएटिंग एंटरटेनिंग पीपल, लाइव स्ट्रीम्स। एनीवेज तो तुम ये वीडियो देख रहे होगे, 11 बजे ये अपलोड होगी, वो टाइम पे मैं ट्विच पे लाइव रहूँगा, तो ट्विच का लिंक है नीचे, आ जाना, वहाँ पे भी बहुत मज़े आते हैं। या एनीवेज टेक केयर, पीस आउट।